हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वीआईटी ट्रिपल ई 2022 सिलेबस के बारे में। जी हाँ गाइस, आप लोगों का जो सिलेबस है यहाँ पे ऑफिशियली रिलीज हो चुका है। किस तरह से आप ऑफिशियल सिलेबस जो है ऑफिशियल पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हो ऑफिशियल लिंक के थ्रू, हर एक चीज कंप्लीटली डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करना है। इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीआईटी सिलेबस 2022 रिलीज। इसे थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने पे गाइस यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह का कॉलम दिखाई देगा। अब गाइस यहाँ पे इस कॉलम में आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ दिखाई देगा वीआईटी फिजिक्स सिलेबस, वीआईटी ट्रिपल ई केमिस्ट्री सिलेबस, मैथमेटिक्स सिलेबस, बायोलॉजी सिलेबस एंड इंग्लिश एप्टीट्यूड। अब इसमें से आपको जिसका भी सिलेबस डाउनलोड करना है सिंपली उसके सामने आप देख सकते हैं डाउनलोड पीडीएफ ईयर लिखा हुआ है, सिंपली उस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते गाइस आप लोगों के सामने जो है यहाँ पे एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा और उस पीडीएफ को आप लोग आसानी से डायरेक्टली जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर वहीं से आप लोग कंप्लीट पीडीएफ जो है यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पीडीएफ ओपन हो रहा है, जब तक पीडीएफ ओपन होता है मैं आपको और डिटेल्स बता दूं। लाइक यहाँ पे अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड नहीं करना है तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को जो है डायरेक्ट भी सारी चीजें दिखा दी गई है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं बायोलॉजी का सिलेबस पूरी तरह से दे दिया आप लोगों को, पूरा यहाँ पे देख सकते हैं पूरा 10 चैप्टर्स उसके फिर यहाँ पे सब टॉपिक्स दे दिया। मैथमेटिक्स का सिलेबस प्रोवाइड करा दिया गया है, केमिस्ट्री का दे दिया गया है और आप पीडीएफ से भी चेक कर सकते हैं। वीआईटी ट्रिपल ई 2022 फिजिक्स का सिलेबस यहाँ पे दे दिया है, डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके प्रिंट भी निकाल सकते हैं या फिर यहीं से डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ से आपको हर एक सब्जेक्ट का जो सिलेबस देखने मिल जाएगा। इनकेस फिर भी कोई और हेल्प चाहिए, कोई डिटेल जानना है, कोई भी गाइस आप लोगों को प्रॉब्लम फेस होते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम लोग जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।